अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि सऊदी अरेबिया में नजम के ऐप के ऊपर से आप किसी भी कंपनी के ऊपर अपने एक्सीडेंट का क्लेम कर सकते हो। आपको किसी भी मकतब या फिर कंपनी पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ये सब कुछ किस तरह करना है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा। और अगर आपका नजम का अकाउंट नहीं है वो किस तरह आपने बनाना है उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो वीडियो देखकर अपना अकाउंट भी बना सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलते हैं अपने आज के वीडियो की जाने। तो सबसे पहले आपने अपने नजम के ऐप में लॉगिन हो जाना है। नजम के ऐप में लॉगिन होने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा। आपने यहाँ से इस पेज को नीचे ले जाना है। पेज को नीचे ले जाकर अब यहाँ से आपने क्लेम नाउ, आपने यहाँ से क्लेम नाउ आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा और यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना सिटी, जो भी आपका सिटी है, आपने वो सिटी यहाँ से चूज़ कर लेना है। सिटी चूज़ करने के बाद फिर यहाँ पर आपने न्यू क्लेम, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा और यहाँ से आपने पेज को सबसे ऊपर ले जाना है। पेज को ऊपर ले जाकर फिर यहाँ से आपने पेज को थोड़ा नीचे करना है और यहाँ पर आपने अपना ईमेल, जो भी आपका ईमेल है, आपने वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। ईमेल एक्टिव होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कोई भी ईमेल एंटर कर लें। ईमेल एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने पेज को नीचे करना है और अब आपने यहाँ से अपना बिल्डिंग नंबर, जो भी आपका बिल्डिंग नंबर है, आपने वो एंटर कर लेना है। बिल्डिंग नंबर एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना स्ट्रीट नेम, जो भी आपका स्ट्रीट नेम है, आपने वो एंटर कर लेना है। स्ट्रीट नेम एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना एडिशनल नंबर एंटर कर लेना है। एडिशनल नंबर एंटर करने के बाद फिर यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपने वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना पोस्ट कोड, आपने वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। पोस्ट कोड एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना सिटी, जो भी आपका सिटी है, आपने वो एंटर कर लेना है। सिटी एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने पेज को नीचे ले जाना है। पेज को नीचे ले जाकर फिर यहाँ से आपने ड्राइविंग लाइसेंस टाइप, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आपने यहाँ से अपने ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन चूज़ कर लेना है और फिर यहाँ से आपने नेक्स्ट, आपने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपने पेज को नीचे ले जाना है और फिर यहाँ से आपने दोबारा नेक्स्ट, जो आपके सामने नेक्स्ट शो हो रहा है, आपने यहाँ से फिर दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको डैमेज टाइप, यानी यहाँ से अब आपके डैमेज दिख रहे होंगे, मतलब कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, इस डेट पे आपका एक्सीडेंट हुआ था, और अब आपने यहाँ से नेक्स्ट, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ से सबसे पहले बैंक नेम, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना बैंक नेम, जो भी आपका बैंक है, आपने वो चूज़ कर लेना है। वो चूज़ करने के बाद फिर यहाँ से आपने आईबान, जो भी आपका बैंक है, आपने उसका आईबान यहाँ पर एंटर कर लेना है। आईबान एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने इसे नेक्स्ट, आपने यहाँ से फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपने इकामा का पिक्चर ऐड कर लेना है। आपने यहाँ से ऐड अ फाइल, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से जो भी आपका इकामा का पिक्चर है, आपने वो यहाँ से अपलोड कर लेना है। इकामा का पिक्चर अपलोड करने के बाद फिर यहाँ से आपने नेक्स्ट, आपने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ये वाला पेज शो होगा और यहाँ से आपको कितने पैसे मिलेंगे वो आपके सामने शो हो रहा है। और फिर यहाँ से आपने जो टर्म एंड कंडीशन है, आपने इस पर टिक कर लेना है। इस पर टिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने सबमिट, आपने फिर यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, आपने वो ओटीपी यहाँ पर एंटर कर लेना है। ओटीपी एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने सेंड, आपने यहाँ से फिर सेंड पे क्लिक कर लेना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद फिर आपका क्लेम यहाँ से सबमिट हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपको आपके पैसे आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। तो हफ्तों के अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे और यहाँ से आप अपने फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हो।
जो आपने सबमिट किया है वो आपके सामने शो हो रहा होगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह आप नजम के ऐप के ऊपर से अपना एक्सीडेंट का क्लेम कर सकते हो किसी भी कंपनी के ऊपर। तो इस तरह आपने ये सबमिट कर लेना है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।